नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार। पश्चिम बंगाल से एक शख्स की मौत का ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बंगाल के पुरुलिया में लड़ाई तो दो मुर्गे के बीच हो रही थी, लेकिन इस चक्कर में जान जीतने वाले मुर्गे के मालिक की चली गई। मृतक का नाम असीम महतो बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 35 साल की थी। दो मुर्गे के बीच हुई लड़ाई जीतने वाले मुर्गे के मालिक के साथ ऐसा क्या हुआ कि चली गई जान? दरअसल मामला पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले के रुद्रा गाँव का है। वहाँ के स्थानीय के मुताबिक हर साल पुरुलिया जिले के पाल गांव में मशहूर मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया जाता है। इस लड़ाई में दो मुर्गियां अपनी और जोर लड़ाई चल रही थी और दो मुर्गी के बीच गुरुवार को इस गांव में हजारों की तादाद में लोग मुर्गा लड़ाई देखने आए थे। रुद्रा गांव के रहने वाले असीम भी अपना मुर्गा लेकर भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे, लेकिन जब मुर्गा की लड़ाई जीतने के बाद मुर्गे को दोनों पैर को रस्सी से बांध दिए जाते थे और उसी रस्सी को छुड़वाने के लिए वो अस्पताल गए। जब मुर्गे की रस्सी तोड़ दी तब वही उसके पैर में जहर था, वो असीम को चढ़ गया और उसी हिसाब से असीम की मौत हो गई। ये लड़ाई दो मुर्गी के बीच थी, लेकिन उसका परिणाम कुछ और ही आया। जहाँ दोस्तों, ऐसे ही बारे में आपकी क्या राय है? इसे लड़ाई ऐसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप हमें